हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और न्यू मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, और वो मेकअप ट्यूटोरियल है जो आने वाला फेस्टिवल है, यानी कि करवा चौथ। तो करवा चौथ पर जो लेडीज़ रेडी होने वाली हैं तो उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं मेरा मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम स्किन को अच्छे से प्रेप करेंगे। तो स्किन को प्रेप करने के लिए मैं फर्स्ट यूज़ करने वाली हूँ शुगर का मिस्ट। ऑलरेडी मैंने मेरा स्किन केयर तो कर दिया है, पर मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये है उसका मिस्ट, तो पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र भी मैं शुगर का यूज़ कर रही हूँ, सिट्रस, और मैंने मिस्ट भी सिट्रस का यूज़ किया था। तो अब इसको मैं अच्छे से लगा देती हूँ। और अब मैं फेस पर लगाने वाली हूँ प्राइमर, और प्राइमर में यहाँ पर शुगर का बेस ऑफ ग्लोरी यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं अपने ओपन पोर्स पे अच्छे से लगाने वाली हूँ। तो अभी हमने हमारे फेस पर अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर दिया है, और अब मैं फिल करने वाली हूँ मेरी आईब्रोज, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है मुझे। और आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का जेरी ब्राउन शेड। ये 2-in-1 वाला है, 3-in-1 वाला नहीं है। आईब्रोज तो फिल हो चुकी हैं बहुत ही ज़्यादा भर भर के, और अभी इसको मैं अच्छे से कॉम कर दूँगी। आईब्रोज अच्छे से फिल हो गई हैं, और अब इनको अच्छे से हम शार्प लुक देने के लिए कंसीलर से अच्छे से कंसील करने वाले हैं। और कंसीलर में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का चोकोचिनो। मैंने मेरी लीड्स पर एज ए बेस मैं कंसीलर को लगा रही हूँ अभी। जहाँ पर थोड़ी सी पिगमेंटेशन है वहाँ पर, ये जो कंसीलर है वो मेरे शेड का है, एकदम परफेक्ट लाइटर नहीं है, तो मैं इससे मेरी पिगमेंटेशन को हाइड कर सकती हूँ। अब मैं इसको बनाना पाउडर से अच्छे से सेट कर दूंगी। आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले अंडर आई स्टिकी टेप। अब मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, और आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की पैलेट। इस पैलेट का नाम है फैटिश ब्लेंड द रूल्स आई शेडो पैलेट। काफ़ी अच्छी आई शेडो पैलेट है, और बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। ये सब में काम आने वाले यानी कलर्स हैं। इसके अंदर मैं एकदम लाइट शेड फर्स्ट में यूज़ करूँगी, और फिर डार्कर पर जाऊँगी। अब थोड़ा सा डार्कर शेड लेके और इसको डीप कर रही हूँ। थोड़ा और डार्क शेड यूज़ करेंगे हमारी क्रीज को डीप करने के लिए। थोड़ा सा रेडिश टोन चाहिए, तो इस पैलेट के अंदर रेडिश टोन नहीं है, तो मैं इसके लिए ये पिंक वाला ब्लश है वो यूज़ करने वाली हूँ। हमने लाइटली पिंक रेड टाइप का इसको टच दे दिया है। मैंने ट्रांजिशन शेड अच्छे से रेडी कर लिया है, और अब मैं मेरी क्रीज को कट करने वाली हूँ। क्रीज को कट करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ शुगर का वनीला लाते। एक आइस का कट क्रीज क्रिएट कर दिया है, अब दूसरी आइस का कर देती हूँ। कट क्रीज परफेक्टली बना ली है, और अब मैं इस कट क्रीज के अंदर गोल्डन शेड फिल करने वाली हूँ। और गोल्डन शेड में एक बार डार्क यूज़ करूँगी, फिर लाइट पे जाऊँगी, ये लाइट पे, फिर लास्ट में लेके जाऊँगी, एक बार डार्क यूज़ करूँगी। हमारा यानी जो शिमर है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है, और हमारी जो आईबॉल है उसके ऊपर हम लाइट गोल्डन कलर का शेड लगाएंगे, जिससे और हाईलाइट हो हमारी आईज। तो ये हमारी आईज
ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब बैक साइड पर मैं थोड़ा और डार्क शेड अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ, स्टिकी टेप को निकाल देती हूँ। टंटनान हो गई है मेरे आईज का आई मेकअप, जो भी एक्स्ट्रा रह चुका है उसको मैं रिमूव कर दूंगी, इसको अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। मैं जितना भी एक्स्ट्रा मेरा आई शेडो गिरा था फेस पर वो क्लीन कर दिया है, और अब मैं मेरे फेस पर यूज़ करने वाली हूँ इल्यूमिनेटर, और वो भी शुगर का। बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट है और बहुत मज़ा आने वाला है इसके साथ काम करते हुए। पर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट रेज ऑफ कवरेज फाउंडेशन। 24 आवर ये स्टे करता है और इसका कवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। मैंने मेरे मेकअप को थोड़ी देर के लिए बेक करने के लिए रख दिया है, इतने में मैं मेरे फेस पर ब्लश अप्लाई कर देती हूँ। और ब्लश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का, और इसका शेड है 05। मैंने मेरे फेस को अच्छे से बेक कर दिया है, अब इस बेक को मैं हटा देती हूँ। अब मैं आईलाइनर लगा दूंगी, और आईलाइनर मैं यहाँ पर शुगर की ही यूज़ कर रही हूँ, ये लिक्विड आईलाइनर है। अब मैं काजल लगा दूंगी, और काजल भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की। मैंने काजल लगा ली है, अब आँखों के नीचे थोड़ा सा स्मोक ड्रॉ करने के लिए मैं इसी पैलेट से डार्क शेड यूज करूंगी। अब मैं मेरे फेस को हाईलाइट कर दूंगी, और हाईलाइटर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर का हाईलाइटर, ये जेली हाईलाइटर है और इसका वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मस्करा लगा दूंगी, और मस्करा भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। इस मस्करा का नाम है अप टू कर्ल मस्करा। मैं लगा दूंगी लिपस्टिक, और लिपस्टिक लगाने से पहले मैं लिप को अच्छे से लाइन कर दूंगी, और लिप लाइनर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की लिप लाइनर, और इसका शेड है 05 ब्रेजिलियन रशियन। मेरी ऑल टाइम फेवरेट शुगर, और ये है मैट अटैक लिपस्टिक, ये ट्रांसफर प्रूफ है और बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका वर्क है, जो कि आपके सामने अभी देखने वाला है। मेकअप पूरा हो चुका है, अब इस पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ पर सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे में यहाँ पर SPF 30 वाला यूज कर रही हूँ, और ये है हमारा फाइनल मेकअप। अब आपको दिखाएंगे हम हमारा फाइनल लुक। ये हमारा फाइनल लुक आप देख सकते हो, मैंने करवा चौथ मेकअप के साथ थोड़ा सा बंगाली यानी थोड़ा क्या ऑलमोस्ट मैंने बंगाली लुक ट्राई किया, क्योंकि ये मेरे अटायर के साथ एकदम परफेक्ट जा रहा था। और ये साड़ी मैंने पहले भी मेरे एक ट्यूटोरियल में वेयर कर रखी है, जब आप बताओ मैंने किस ट्यूटोरियल में पहन रखी है, और आपको ये लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि आप ये मस्ट ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है करवा चौथ पर। और अगर ये लुक अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और साथ में ये ज्वेलरी भी कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, और मैं इस लुक के बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूँगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप मुझे लाइक कर सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो, तो और रील्स भी बनाती हूँ मैं, आप उसको भी लाइक कर सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके बाय।